जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के राशिफल की। सितंबर महीने के राशिफल में हम वृषभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और वृषभ राशि के राशिफल में आपके वैवाहिक संबंधों की, आपके प्रेम संबंधों के, आपके पारिवारिक जीवन की, धन, कैरियर और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप वृषभ राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये वीडियो अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो मित्रों, चलिए पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। वृषभ राशि में सूर्य 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर कन्या राशि में रहेंगे और मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर कन्या राशि में रहेंगे और बुध कन्या राशि में 22 सितंबर तक रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे और गुरु 14 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद 15 सितंबर से मकर राशि में रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे, शनि मकर राशि में रहेंगे और राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। पूरे महीने रहेंगे शनि, राहु और केतु और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। पहले आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे और उसके बाद पूरी कुंडली का गोचर विश्लेषण करेंगे। ये महीना आपके प्रेम जीवन में मिले जुले प्रभाव देने वाला है। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध पंचम भाव में कन्या राशि है, 22 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। और 15 सितंबर तक गुरुदेव कुंभ राशि में हैं, दृष्टि रहेगी उनकी चौथे भाव पर और छठे भाव पर भी रहेगी। तो और उसके बाद गुरुदेव जब चले जाएंगे नवम भाव में मकर राशि में, तब मकर राशि से गुरुदेव की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाएगी, तो ये समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा और प्रेम के मामले में आपको मधुर संबंध होंगे। और शुक्र भी कन्या राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे तो ये 6 सितंबर तक ज़्यादा अच्छा रहेगा और मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्य भी 15 सितंबर के बाद कन्या राशि में पहुँच जाएंगे, तो इस समय पर आपके पार्टनर से वाद विवाद संभव हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, भरोसे में वृद्धि होगी, कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है, किसी रोमांटिक स्थान पर भी जा सकते हैं। लेकिन पूरे महीने ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि जब मंगल और सूर्य पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तब प्रेम जीवन में थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा और आपस में टकराव भी बढ़ने की आशंका पूरी बनी रहेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है और वो विवाद बढ़ भी सकता है, इसलिए संयम से काम लें, एक दूसरे की बातें समझें, एक दूसरे के बीच जो गलत फहमियाँ हो गई हैं उनको आपस में दूर करें और इस विवाद को बढ़ाएं नहीं, नहीं तो विवादों की वजह से आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको साथी मिल सकता है, लेकिन उनके लिए साथी मिलने का जो समय रहेगा वो 15 सितंबर के बाद समय अच्छा रहेगा। उस समय कोई साथी मिलता है तो वो आपका अच्छा साथी साबित हो सकता है। और अगर विवाह से अलग किसी के कोई संबंध है तो उनमें थोड़ा सा सामान्य सा ही रहेगा। और मंगल जब आपके कन्या राशि में पहुंच जाएंगे 6 सितंबर के बाद, तो उसके बाद परिणाम थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन 6 सितंबर के बाद कुल मिलाकर सामान्य रहेगा जो वैवाहिक संबंध हैं। और 6 सितंबर तक वाद विवाद के चांस ज़्यादा रहेंगे और 22-9 तक आपका प्रेम संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर थोड़ा वाद विवाद के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन 15 सितंबर से जब सूर्य आ जाएंगे और 6 सितंबर से मंगल आ जाएंगे तो उस समय के बाद ये वाद विवाद और तनाव की चीज़ें हो सकती हैं प्रेम संबंधों में। अगर कोई पार्टनर आपका पहले से आपका है जो आपसे बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत बंद चल रही है, तो 15 सितंबर के बाद का सही समय है, उस समय आप कोशिश करें, आपकी बातचीत हो सकती है और वो दोबारा से आपके प्रेम संबंधों में आ सकते हैं। जो लोग अगर पहले से प्रेम संबंधों में हैं और अपने शादी की बात करना चाहते हैं, अपने घर वालों को बताना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 15 सितंबर के बाद का ही समय अच्छा रहेगा जब वो बात कर सकते हैं।
और कैनरा से 22 तक का कहना चाहिए, 15 सितंबर से 22 सितंबर तक का समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप बात कर सकते हैं। तीन राशियां की बात की जाए, वो तीन राशियां बतला देते हैं जो कि पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है वृषभ, और तो इसलिए कन्या राशि और मकर राशि और वृषभ राशि, इन तीनों राशियों के अगर आपके पार्टनर हैं तो उनके वाद विवाद थोड़े कम होंगे, उनका जीवन अच्छा चलेगा, उनके ऊपर ये गोचर के परिणाम उतने लागू नहीं होंगे क्योंकि इन तीन राशियों के पार्टनर आपके साथ संबंध ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उसमें आपका संबंधों में मधुरता ज़्यादा देखी जा सकती है। शादीशुदा जीवन की बात करें तो शादीशुदा जीवन में ये वैवाहिक जीवन में महीना थोड़ा संघर्षमय रह सकता है क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु रहेंगे और आपकी राशि में राहु का गोचर होगा, जिससे कोई गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, आपके जीवन साथी के व्यवहार आपको समझ नहीं आएंगे, मुश्किल हो सकते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए आप अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए उसकी बातों को ध्यान से सुने, अगर कोई भी बात गड़बड़ होती है तो उसका पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उसको बताएं और कोई भी बातें आपस में छुपाएं नहीं, एक दूसरे को पूरी तरह शेयर करें तो दिक्कत नहीं होगी, वरना कड़वाहट आ सकती है और ये तनाव ज़्यादा भी बढ़ सकता है। तो इस तरह का कुछ वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध रहेंगे। चलिए अब आपकी कुंडली की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि प्रथम भाव में है आपके, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र कन्या राशि में 6 सितंबर तक रहेंगे, फिर तुला राशि में जाएंगे, छठे भाव में जाएंगे जो कि ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो इस समय पर आपको कर्ज लेन देन से बचना चाहिए और अगर कोई बीमारी है उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसको भी आपको देखना चाहिए। हालांकि शुक्र यहाँ पर होंगे तो अगर कोई बीमारी पहले से है तो उसमें थोड़ा आराम मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखना है और शत्रुओं से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा रहेगा थोड़ा सा प्रथम भाव का जो परिणाम रहेगा। और द्वितीय भाव की बात करें, द्वितीय भाव में मिथुन राशि है, स्वामी बुध हैं और बुध कन्या राशि में 22 सितंबर तक हैं, आपके पंचम भाव में हैं। और दूसरा भाव परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, तो इस समय आपकी वाणी मधुर रहेगी और परिवार में भी आपके ठीक ठाक माहौल रहेगा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना जा सकता लेकिन फिर भी ठीक रहेगा, और क्योंकि आपकी राशि में राहु का गोचर है, लेकिन फिर भी तालमेल कमी दिख सकती है, एक दूसरे में थोड़ा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये पंचम भाव में क्योंकि सूर्य और मंगल भी होंगे और आपके चौथे भाव में सूर्य और मंगल 15 सितंबर तक सिंह राशि में होंगे और फिर कन्या राशि में होंगे और 6 सितंबर तक मंगल भी चौथे भाव में होंगे, तो पारिवारिक में मतभेद विवाद हो सकते हैं और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे पर आप कोई दोषारोपण कर सकते हैं। इन सभी स्थितियों की वजह से परिवार का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन थोड़ा अगर धैर्य से काम लेंगे तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। तीसरे भाव की बात करें तो स्वामी चंद्रमा हैं जो कि सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देंगे। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि में सूर्य 15 सितंबर तक रहेंगे और फिर मंगल रहेंगे आपके 6 सितंबर तक, तो इसलिए जो है आपको ये परिवार में वाद विवाद हो सकता है, अहम का टकराव हो सकता है, रिश्तों में थोड़ी सी आपस में बुराइयाँ हो सकती हैं और बाकी भाई बहनों संबंध अच्छे रहेंगे। आपके माता पिता का स्वास्थ्य कुछ देखना पड़ेगा, कुछ स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि, लेकिन सूर्य और मंगल के आने से ये भी बात है कि माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार भी देखा जा सकता है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं तो चौथे से चौथा है और सूर्य खुद ही चौथे भाव के स्वामी हैं, तो माता पिता के स्वास्थ्य का इस टाइम सुधार भी हो सकता है। पंचम भाव की बात करें तो कन्या राशि है, स्वामी बुध हैं, 22 सितंबर तक यहीं पर हैं, तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, शिक्षा के लिए अच्छा समय है और संतान की तरफ से भी कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं, ऋण रोग शत्रु का भाव है और यहाँ पर लग्नेश होंगे तो आपको स्वास्थ्य में आराम मिल सकता है, कोई लेन देन है तो वो आपका उतर सकता है और लेकिन फिर भी लेन देन करने से बचें और शत्रु भी आप पर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, फिर कन्या राशि में रहेंगे, तो वैसे तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारी पार्टनर के साथ भी अच्छे रहेंगे, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं क्योंकि राहु केतु के एक्सिस पर हैं, केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, राहु आपकी लग्न में रहेंगे, ये ध्यान रखना होगा।
अष्टम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं, गुरुदेव कुंभ राशि में, दसम भाव में 14 सितंबर तक रहेंगे और उसके बाद फिर 15 सितंबर से मकर राशि में आ जाएंगे। तो अष्टमेश दसम में होंगे तो इस टाइम आपको अचानक व्यापार में हानि लाभ के योग बने रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और 15 सितंबर के बाद जब भाग्य भाव में आ जाएंगे तो भाग्य में भी आपको थोड़ा सा उतने परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि यहीं पर हैं तो आपके पिता से संबंध थोड़े से तनावपूर्ण कर सकते हैं शनिदेव, और आपके गुरु से संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, कोई यात्रा हो सकती है जिसमें ज़्यादा लाभ ना हो, लेकिन ये 14 सितंबर तक ज़्यादा परिणाम रहेंगे। छोटे भाई बहनों से आपकी बातचीत अच्छी नहीं रहेगी, मित्रों से बातचीत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन 15 सितंबर से जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे, हालांकि गुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं ये भी ध्यान रखना है, तो ज़्यादा तो बदलाव नहीं होगा लेकिन कुछ स्थितियाँ अप एंड डाउन वाली दिखेंगी। दसम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि है, नवम भाव में गए हैं तो कारोबार के लिए अच्छा है, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं शनिदेव, मेहनत ज़्यादा होगी, ईमानदारी से कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। और एकादश भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं और गुरु 14 सितंबर तक दसम में रहेंगे तो उस समय आपके व्यापार कारोबार में खर्चे बढ़ सकते हैं, और जब 15 सितंबर से वो भाग्य भाव में जाएंगे तो आपके आय के साधन अच्छे दिखेंगे और आपको इनका सफलता मिलेगी, बड़े भाई बहनों से आपको प्रेम मिलेगा, बड़े बुजुर्गों से प्रेम मिलेगा और आपको धन लाभ भी होगा। 15 सितंबर के बाद आय के मामले में समय अच्छा रहेगा। 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं और मंगल 6 सितंबर तक सिंह में हैं और फिर कन्या में हैं, तो मंगल जब तक सिंह में है 6 सितंबर तक तो समय अच्छा है, लेकिन फिर कन्या में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो आपको थोड़ा सा वाद विवाद से बचना होगा, और अगर देश विदेश से कोई जुड़ा कार्य है तो उसमें लाभ मिल सकता है, और बाकी आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, खासकर कोर्ट कचहरी के चक्रों में भी नहीं पड़ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो वृषभ राशि वालों का मित्रों सितंबर महीने का राशिफल गोचर के हिसाब से कुछ इस तरह का रहने वाला है। उपाय की बात करें तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं और गोपाल श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं और हर शुक्रवार को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान अवश्य करें। तो मित्रों इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के सितंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और फिर आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।